रोही के नासरीन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक। ईद उल अज़हा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। जनूबी पंजाब भर में नमाज ईद के इज्तमात, ईदगाहों, मस्जिद और मैदानों में नमाज ईद और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ईद उल अज़हा अजीम कुर्बानी और एहसार का दिन। मुल्तान में दरबार बहाउद्दीन ज़करिया पर नमाज ईद उल अज़हा अदा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मेंबर कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद समेत शहरी की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। दरबार हजरत मूसा पाक मुल्तान में नमाज ईद उल अज़हा अदा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, साबिक MNA सैयद अब्दुल कादिर गिलानी समेत अहम समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने दरबार हजरत मूसा पाक पर हाजिर दी और मुल्क कौम के लिए खसूसी दुआएं भी की। मुल्तान में कमिश्नर ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर हाउस से बलहिका मस्जिद में कोरोना SOPs के तहत ईद की नमाज अदा। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद, उनके अहल खाना और दोस्त अहबाब समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि डिवीजन में खसूसी वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। बहावलपुर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद उल अज़हा का अहतमाम। पुलिस लाइन बहावलपुर में ईद की नमाज अदा। RPO जुबैर दरेशी, TPO फैसल कामरान और DC इरफान अली काठिया समेत पुलिस और इंतजामी अफसरान की शिरकत। शोहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए गए। सेंट्रल जेल बहावलपुर में भी नमाज ईद की अदायगी। DIG जेल खाना जात अब्दुल राउफ राणा, सुपरिटेंडेंट जेल शहराम खान और सैकड़ों कैदियों की शिरकत। रिजु खान इरीगेशन कॉलोनी की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। मुशीर सेहत खनीफ खान बताफे समेत सैकड़ों शहरियों की शिरकत। पुलिस लाइन डेरा काजा खान में भी नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसल राणा, DPO उमर सईद मलिक, ADCR अहमद हसन रांझवा, AC मेहदी मालूक समेत पुलिस जवान और शहरी शरीक हुए। रहीम यार खान की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा। MNA जावेद इकबाल बढ़ाए, MP आसिफ मजीद समेत शहरियों की शिरकत। जमालुद्दीन वाली की मस्जिद में भी ईद अदा कर दी गई, जबकि साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सईद अहमद महमूद, MNA एस मोहम्मद सईद मुर्तजा, MPA मखदूम सैयद उस्मान महमूद और मखदूम सैयद अली महमूद समेत शहरियों की शिरकत। फयाज पार्क मुजफ्फरगढ़ में नमाज ईद उल अज़हा। डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तरीन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जाम आफ्ताब, DPO हसन इकबाल और शहरियों की शिरकत। सरगोधा की मरकजी ईदगाह ग्राउंड में भी नमाज अदा कर दी गई। उधर मरकजी ईदगाह मियांवाली में भी नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। फोर्ट अब्बास की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद अदा। MPA मोहम्मद अरशद, DPO इकबाल अवान समेत सियासी, समाजी और सहाफती अफराद की शिरकत। राजपूत ईदगाह रासनपुर और जामिया मस्जिद गुलजार हबीब रंगपुर में भी नमाज ईद की अदायगी। खुशाब, सादिकाबाद और कबीरवाला में भी ईद की नमाज अदा कर दी गई। बच्चे बड़े सभी शरीक। कोट मिठन में दरबारे फरीद पर नमाज ईद उल अज़हा अदा। सजवाता नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैशी, वली ओहदे दरबार फरीद ख्वाजा रावल मोइन कुरैशी समेत खानदान फरीद की तमाम शख्सियात की खसूसी शिरकत। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की, जबकि सजवाता नशीन ने तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद, भाईचारे, अमन का दर्श दिया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा। कैदियों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कहा, ईद पर रिश्तेदारों, गुरबा और मसाकीन को याद रखें। ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट जेल में सरकारी मुहिम का आगाज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। डॉक्टर खुरम शहजाद का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। दारुल ईमान, शेख जैद अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट जेल और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को मुआयना भी किया, जबकि खवातीन और बच्चों से मुलाकात की। ईद तहाइफ तकसीम किए, खवातीन से उनके मसाइल बारे भी इस्तफसार किया।
दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने वाले पुलिस अहलकार ईद के रोज भी ड्यूटी पर मामूर। ईद पर अमन और भाईचारे को काफी रखने के लिए शहरियों के अहलकारों को खराज तहसीन। पुलिस अहलकारों का कहना है कि घरों से दूर रहें लेकिन शहरियों की हिफाजत करके सुकून मिलता है। की खाली इकट्ठी करने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर भर में सफाई के मिसाली इकदाम। तालाशें और कचरा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 17 कैंपस कायम। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट फखर सलाम डोगर का कहना है कि तमाम मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। शहर भर में 3000 से ज्यादा अमला ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। तमाम आलाशों को मुल्तान से बाहर डंप किया जाएगा।